आयुर्वेद समाधान के व्हाट मेक्स यू हेल्दी सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज व्हाट मेक्स यू हेल्दी सेगमेंट में आपको बताने जा रहे हैं अलसी के फायदे। जी हाँ, वी कैन से अलसी मेक्स यू हेल्दी। अलसी का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है जो कि हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एक चम्मच अलसी के अंदर 1.8 ग्राम ओमेगा 3 होता है। तो आइए जान लेते हैं अलसी के फायदे क्या हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अलसी के नुकसान भी हो सकते हैं, तो अगर आप अलसी का उपयोग करें तो एंड में अलसी से होने वाले नुकसानों पर भी एक नजर जरूर डाल लें। कैंसर से बचाने में अलसी उपयोगी है। एक अध्ययन से ये पता चला है कि अलसी के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसमें मिलने वाला लिग्नन हमारे हार्मोन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। हृदय की बीमारियों से बचाता है अलसी। अलसी में पाए जाने वाला ओमेगा 3 जलन को कम करता है और हमारे हार्ट की गति को सामान्य रखने में मददगार होता है। ओमेगा 3 युक्त भोजन से धमनियां सख्त नहीं होती हैं। साथ ही ये व्हाइट ब्लड सेल्स को ब्लड धमनियों की आंतरिक परत पर चिपका देता है। मधुमेह यानी शुगर की बीमारी को नियंत्रित करता है। अलसी का उपयोग अगर आप करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। अमेरिका में डायबिटीज से ग्रस्त कुछ लोगों पर रिसर्च की गई, जिसमें पाया गया कि अलसी में मिलने वाला लिग्नन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कफ पिघलाने में मददगार। अगर आपको सर्दी है और खांसी बहुत तेज आती है लेकिन उसके बावजूद कफ नहीं आता और लगातार खांसी से आपको उल्टी जैसी स्थिति भी बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कीजिए, अलसी के बीजों को मिक्सी में कूट लीजिए और उसका चूर्ण बना लीजिए और फिर 15 ग्राम वही अलसी का चूर्ण, उसके साथ मुलेठी 5 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम और आधे नींबू के रस को उबलते हुए 30 ग्राम पानी में डाल दीजिएगा और बर्तन को ढक दीजिए। इस रस को 3 घंटे बाद छानकर पी लीजिए। इससे गले और सांस नली में जमने वाला कफ निकल जाता है, आपकी खांसी बंद हो जाती है और कफ जमने से बनने वाली परेशानी भी दूर हो जाती है। और आइए अब बता देते हैं अलसी से क्या नुकसान हो सकते हैं। अलसी से पेट की परेशानियां हो सकती हैं। अलसी या कोई भी फ्लैक्सीड ज्यादा मात्रा में खाने से तो नुकसान होगा ही होगा। अलसी में पाए जाने वाले लैक्सेटिव दस्त, सीने में जलन और बदहजमी जैसी परेशानियां पैदा कर देता है। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रतिदिन 30 ग्राम अलसी से ज्यादा सेवन ना करें। जी हाँ, 30 ग्राम अलसी से ज्यादा ना खाएं। घाव भरने में देरी भी हो सकती है क्योंकि अलसी आपके खून के जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और अगर ऐसे में चोट लग जाए तो फिर खून ज्यादा निकलता है। ज्यादा अलसी खाने से आपको एलर्जी भी हो सकती है। अलसी का अधिक मात्रा में सेवन एलर्जी रिएक्शन भी कर सकता है। इसके कारण पेट में दर्द हो सकते हैं, मितली आना और उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं और यहाँ तक कि सांस लेने में भी परेशानियां हो सकती हैं। लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी ये पैदा कर सकता है। तो आप ध्यान रखें कि दिन में केवल 30 ग्राम अलसी ही खाएं और अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो आप 15 ग्राम अलसी का सेवन एक दिन में करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी वैद्यों और आयुर्वेद आचार्यों द्वारा लिखी गई रचनाओं से ली गई हैं। अगर आपको इसके संबंध में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आप हमें कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आयुर्वेद समाधान